तो गाइस आज के जी टी फाइव के एडवेंचर में हम लोग जाने वाले हैं एलिमेंटल हल्क को ढूंढने के लिए। हमें चार एलिमेंटल हल्क को ढूंढना है और उनके बाद चारों को जोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा गुड एलिमेंटल हल्क। तो गाइस अगर मैं फेल होता हूं तो गाइस मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूंगा। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करते ढूंढते हैं। तो गाइस यार मुझे यहां से लिटरली थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा ऊंचाई में हूं। अब देखो गाइस सबसे पहले मैं ढूंढने आया हूं ग्रीन एलिमेंट मतलब अर्थ एलिमेंट वाला हल्क। तो गाइस यार अगर आपको कहीं पर भी बड़े बड़े पेड़ दिखे बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेड़ दिखे बहुत बड़े बड़े तो मुझे बताना जल्दी से। ओके गाइस मुझे आखिर दिख चुके हैं वो पेड़। देखो यार वो रे यहाँ पर देखो वो पेड़ है वो सबसे ज्यादा लगे यहाँ पर सबसे बड़े बड़े पेड़ है। तो गाइस मुझे वहां पर जाना है और वहां पर हमें मिलने वाला है एलिमेंट हल्क। और ये क्या मेरा इंजन बंद हो गया भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान जल्दी से नीचे उतरना होगा वरना मेरी पैंट फट जाएगी। चलो गाइस नीचे उतरता हूँ धीरे 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 पैराग्लाइड करते हो नो इंजन स्टार्ट हुआ 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 ओ बेटे नाइस नाइस फिर बंद हो गया। चलो बस यार मैं पहुंच गया जहाँ पर मुझे पहुंचना है। देख रहे कितने बड़े बड़े पेड़ है। ओ भाई साहब तुम्हारे भाई ने फाइनली बिल्कुल सेफ लैंडिंग भी कर लिया। तो भाई मजे ही आ गए। तुम लोग बस लाइक कर दो यार छोटी सी लाइक करनी है जल्दी सी जब तक मैं वहां पर पहुंचता हूँ। तुम लोग लाइक और चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो यार। ओके तो गाइज मैं आ चुका हूँ। ओ नो 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 हाथ में चाकू नहीं रखना भाई साहब वो तुम्हें पता नहीं है कितना खतरनाक हल्क है भाई। ओके यार यहाँ पर देख रहे कितने बड़े बड़े पेड़ है और यहीं पर ही रहता होगा वो हल्क। देखो यार ये रहा। और आपको बता दो ये समय दूसरे यूनिवर्स का हल्क इसलिए बहुत ज्यादा अलग है बाकी हल्क से। ओ भाई देख रहे हो क्या ही खतरनाक लग रहा है ये वाला हल्क। और भाई तुम एक चीज दिखाऊं इसके पीछे देखो कितनी खतरनाक बंदूकें हैं यार शॉटगन फ्लेयर गन भाई क्या क्या गन से यार। और इसके देखो यार जेब में कट्टे धरे हैं कट्टे भाई। चलो चलो मजे आ गए। और उससे बात तो करूं हेलो हल्क क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज? तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ और क्यों चलूं? यार मैं आज है ना गोड एलिमेंट हल्क को बुलाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो जिससे यार मैं गोड एलिमेंटल हल्क बुला लूं और मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों को भी लेके आऊंगा दूसरे एलिमेंटल हल्क को। ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं है आजकल। इतना आसान था इसको मनाना। ओ भाई इसकी गाड़ी देख रहे हो तुम? अरे भाई साहब क्या आपकी गाड़ी चाह के देख लूं? चला ले बैठ तो गया ही है। अच्छा ओके सॉरी। ओ भाई इसकी गाड़ी देख रहे हो आगे से उठती है यार। ओ भाई करो चला के देखता हूँ 1 2 3 गो भाई क्या गाड़ी है भाई इसकी। तो चलो गाइस पहला हल्क मुझे मिल चुका है एलिमेंटल ग्रीन हल्क। और गाइस इसे लाना लिटरली बहुत इजी था। मुझे लगा कि यार ये इन लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी इनको बेहोश करना पड़ेगा पर ऐसा कुछ भी नहीं है यार ये बंदा अपने आप मेरे साथ चल दिया। दिस इज सो नाइस सो नाइस। तो चलो गाइस नेक्स्ट एलिमेंटल हल्क को ढूंढने चलते हैं आगे से उठा के और लहरा दो नागिन बना दूंगा। तो गाइस यार अब मैं तुम्हें बता देता हूँ आखिर मुझे कैसे उस गोड एलिमेंटल हल्क को बुलाना है। उसमें भैया कहाँ रह गए थे? हाँ यार मैं भूल गया सिंचन में यहीं पर है। उसमें भैया सब कुछ सेटअप रेडी है बस तुम लेके आ गए ना पहले एलिमेंटल हल्क को हम लेके आ गया। तो गाइस देख रहे हो ये वो मशीन है यहाँ पर आपको चार ऐसे ट्यूब से दिख रहे होंगे। इन चारों ट्यूब के अंदर मैंने एक एक एलिमेंटल हल्क को खड़ा करना है। चारों एलिमेंटल हल्क को जब मैं खड़ा कर दूंगा मैं मशीन को ऑन कर दूंगा फिर यार दूसरे यूनिवर्स से हम ले आएंगे गोड एलिमेंटल हल्क को इस वाली ट्यूब के अंदर। तो गाइस यार पहला एलिमेंटल हल्क आ चुका है वो ट्यूब के अंदर भी खड़ा हो चुका है। अब हमें तीनों और को ढूंढना है उसमें भी जल्दी जाओ। तो गाइस यार मैं अभी आ चुका हूँ दूसरे एलिमेंटल हल्क को ढूंढने के लिए वो है फायर एलिमेंटल। अब तुम बस ये देख रहे हो कहीं पर तुम्हें आग लगी हुई दिख रही है क्या? चलो यार यहाँ पर कहीं तो नहीं है। देखो वहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कुछ ना कुछ मुझे भी दिख रहा है। चलो गाइस उसके पास जाके देखता हूँ। और गाइस थैंक यू सो मच यार जो तुमने मुझे ये जैक पैक दिला दिया इतना सेक्सी वाला। ओ गाइस यार अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट चाहिए तो ये लिख दो जल्दी सी नाइस जैक पैक। जो सबसे पहले तीन बंदे लिखेंगे उनको मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट। ओके तो गाइस देख रहे हो वो हल्क भाई ये कितना खतरनाक लग रहा है भाई। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजर है। चलो इसके पास चलता हूँ। हेलो हल्क हल्क ब्रो आई नीड योर हेल्प। अबे बह रहा है क्या सुन लेना हल्क। अबे सुन क्यों नहीं रहा है? अरे भाई नीचे देख रहे हो कितना सारा लावा टंगा हुआ है इसके नीचे देख रहे हो। अबे यार कैसे जगाऊं इसको हल्क हल्क सुन ले एलिमेंटल हल्क। ओके गाइस यहाँ पर मैं उतर चुका हूँ। सबसे पहले मुझे ये आग बुझानी होगी वरना वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनेगा। सबसे पहले सारी आग बुझा देता हूँ उससे मेरी बात सुनेगा सारी आग बुझा देगा तुम्हारा भाई। अबे ओए पागल कहीं के क्या कर रहा है आग किस लिए बुझा रहा है? तुझे पता नहीं मैं रेड एलिमेंटल हल्क हूँ? अरे हाँ हाँ मुझे पता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। अगर तू मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं तेरे ऊपर ये बर्फ का गोला मारूंगा। क्या तुझे लगता है मैं बर्फ के गोले से डर जाऊंगा? अरे नहीं यार मुझे पता है यार मसल में मुझे तेरी नीड चाहिए क्योंकि यार मैं गोड एलिमेंटल हल्क को बुलाना चाहता हूँ। और यार तेरा भाई तो आ चुका है ग्रीन एलिमेंटल हल्क क्या उससे तू मिलना नहीं चाहता? एक काम करो तुम बता दो कहाँ आना है मेरे घर पर आ जाना। ओके मैं पहुँच जाऊंगा मैं भी अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ काफी दिनों से नहीं मिला। ठीक है यार ये भी मतलब यार आज तो लड़ाई करने का कोई मूड
मूड ही नहीं है, सब लोग ऐसे ही आ जाते हैं, सब लोग अपने भाइयों से मिलना चाहते हैं, तो हमें क्या क्यों फालतू में लड़ाई करनी है। तो भाई अभी तुम्हारा भाई आ चुका है तीसरे एलिमेंटल हल्क को ढूंढने के लिए, और वो है बर्फीला एलिमेंटल हल्क बोल दो या चाहे उसे वाटर हल्क बोल दो, एक ही बात है। और चलते हैं भाई सब जल्दी से ढूंढने के लिए। शिट, ये गाड़ी क्यों ठुक गई रे भाई, ये कौन पागल है भाई, ये स्नोमैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके अब गाइस तुम लोग ये सोच रहे हो सैम ये स्नोमैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर गाइस अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी बताता हूँ गाइस। जो असल में ये आपके पहाड़ सा दिख रहा है बर्फ का बना हुआ, इसके अंदर और कोई नहीं, एलिमेंटल ब्लू हल्क सोया हुआ है। जैसे मैं इस पूरी बर्फ को मेल्ट कर दूंगा ना, वैसे इसके अंदर से ब्लू हल्क वापस आ जाएगा, मतलब जिंदा हो जाएगा या फिर उठ जाएगा, कहने का मतलब। जल्दी से यहाँ पर मैं पहले पेट्रोल लगा देता हूँ, आग सेक्सी वाली। ओके जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं सारे में पेट्रोल खिंडा देता हूँ बहुत सारा, उसके बाद यहाँ पर आग लगा देंगे। ओके मैंने पेट्रोल खिंडा दिया, जल्दी से अब यहाँ पर आग लगा देता हूँ। ओके यार आग शुरू हो चुकी है, नाइस नाइस नाइस, इसी को ओपी बोलते। ओके ओके जल्दी से यार अभी तो मेरे को और काम करना है, सबसे पहले मेरे को पेट्रोल बोतल निकालनी है, यहाँ पर पूरे में आग लगा देनी जिससे यार जल्दी से जल्दी सारी सारी आइस मेल्ट हो जाए, और उसके बाद ब्लू हल्क अंदर से बाहर निकल आए। और हमें क्या चाहिए, तो गाइस यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, हल्क को जगाने की किसकी जरूरत हुई, हल्क उसको मार डालेगा। एलिमेंटल हल्क मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तेरी ऐसी तैसी, तूने मेरी बर्फ कैसे पिघलाई, मैं 10 सालों से सोया हुआ था, मुझे पता है, पर आज मुझे तेरी नीड है, क्योंकि मैं बुलाना चाहता हूँ गॉड एलिमेंटल हल्क को, उसके अंदर मुझे तेरी जरूरत होगी। तेरे दो भाई तो मान चुके हैं फायर एलिमेंटल हल्क, और साथ के साथ तेरा दूसरा भाई ग्रीन एलिमेंटल हल्क, तू भी मेरे साथ चलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अरे मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, चलो उन लोगों से मिले हुए 10 साल हो गई मुझे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, चल मेरे साथ जल्दी सी। अबे तेरे चक्करों में इसका एक्सीडेंट हुआ है, और तू इसको खटारा बोल रहा है, यार कैसे आदमी है, अरे पजामे तो नहीं है कहीं के, चलो पजामे में चलते हैं। तो गाइस लास्ट एंड फाइनल चौथा एलिमेंटल हल्क, और भाई इसको सेमी पकड़ना बहुत हार्ड है, क्योंकि यार इसके पास एलिमेंट पावर होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब बिजली की। ओके यार सबसे पहले यार देख रहे हो यहाँ पर ही जा रहे सारे के सारे खंभों की तारे। ओके वोरा पावर हाउस, अब मुझे वहां पर जाना है, यहीं कहीं पर होना चाहिए। ओके गाइस दिख गया होगा आप लोगों को भी, और मुझे भी दिख चुका है वो रहा इलेक्ट्रिसिटी वाला हल्क। सबसे पहले ट्रक को यहाँ पर रोकता हूँ, देख रहा हूँ भाई ये ट्रक ऐसा है क्योंकि इसके टायर बहुत बड़े बड़े और ये सारे के सारे रबर के बने हुए हैं, और भाई इससे मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी। और गाइस मैंने पूरा कवच भी पहन रखा है जिससे यार बिजली के झटके थोड़े कम ही लगे। ओके ये सुन ही नहीं रहा है, हेलो हल्क, यार ये मेरी बात भी नहीं सुन रहा है थोड़ी सी भी। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मेरे को यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काटनी होगी, उसके लिए मुझे तार काटने होंगे, तार काटने के लिए मुझे यार क्या करना होगा, एक काम करता हूँ यहाँ से काटता हूँ। ओ नो यहाँ पर तो ये बंद पड़ा है यार, ओ यार क्या करूँ अब मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कोई टंकी को सरका देता हूँ, हाँ ये बिजली वाली टंकी को हम सरका देंगे। एक काम करता हूँ सबसे पहले मैं बैठता हूँ अपने ट्रक के अंदर, तो गाइस इस वाली टंकी को यहाँ पर मैं इस टंकी को हिलाने की कोशिश करता हूँ, अगर हिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लगाई पूरी जान। ओके गाइस मैंने इसको हिला दिया, और यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कट चुकी है। ओके कहाँ पर ये, सबसे पहले इसके यार लेवल पे जाने दो मुझे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और तुमने मेरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे काट दी, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम कौन हो इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई साहब बात ऐसी है, ये कुछ ज्यादा ही हट रहा है, अब मेरे को इसको ठिकाने लगाना होगा, मेरे को इसको मारना तो नहीं है वैसे, अभी तेरी बैंड बजाता हूँ, अब तू 440 वोल्ट का झटका खाएगा भूतनी के। येले 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 कुछ हो क्यों नहीं रहा इसको, अरे पागल इंसान, मैं एलिमेंटल इलेक्ट्रिसिटी हल्कू, मेरे करंट का कुछ नहीं होगा, तेरी ऐसी तैसी कुछ नहीं होगा, तो ये ले अभी बताता हूँ तेरे को। ये क्या कर रहे हो इंसान, अभी रुक जा इंसान कुछ कर रहा है, तेरी पैंट फट जाएगी उस इंसान के कारनामे देख के। ओके डन भाई, बेहोश भी हो गया, मेरे को पता ही था यार तुम्हारे भाई से अच्छा जीनियस कोई है ही नहीं इस दुनिया में, काश जीनियस होता असल में तो मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आते। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ ट्रक के अंदर, यहाँ पर जल्दी से इसको भी बैठा लेता हूँ, तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से जल्दी सी, उसके बाद बुलाना है गॉड एलिमेंटल हल्क को बेबी। सुन वैसा है, तुमने रात कर दी, इतना टाइम कौन लगा था एलिमेंटल हल्क को ढूंढने में, तुम मुझे क्यों नहीं लेके गए। अबे यार सिंचन तुझे पता है यार अपना बजट धीरे धीरे लो होता जा रहा है। गाइस यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी नहीं करते हो, तो सिंचन बोलता है मैं सुमित भैया के साथ नहीं जाऊंगा, तो बाद में बात करते हो। तो गाइस देखो यार चारों चार एलिमेंटल हल्क यहां पर आ चुके हैं, सारे के सारे यहां पर जमा भी हो चुके हैं। अब यहां पर मशीन को करता हूं चल्लू, 1 2 3 चल वल्लू, स्टार्ट करते मशीन। सिंचन क्या कर देख रहा है, उसमें हो गई, ओ भाई साहब देख रहे हो यहां पर। ओके यहां पर देखो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी मैन इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहा है, और सारे एलिमेंटल अपना अपना काम कर रहे हैं, और यहां पर थोड़ी देर में आने
वाला है गोड एलिमेंटल हॉल, सुमित भी आ गए। देखो नमस्कार बोलो उनको। नमस्कार, तुम्हारा स्वागत है धरती के ऊपर। अबे भाई इसको थोड़ा बाहर निकाल यार, इसकी टेंट एड्रेस इंचन, इसको बाहर निकाल के इससे बातें करते हैं मस्त वाली। ओके नाइस यार, ये तो पूरा सतरंगी इंसान है यार, ऐसा लगता है अभी होली खेल गया है। उसमें सही कह रहे हो इंसान, मैं तुमसे बड़ा खुश हुआ, पहली बार मेरे को किसी ने धरती पर बुलाया है चारों एलिमेंट को कलेक्ट करके, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ। वो लो मैं तुम्हें कोई वरदान देता हूँ। उसमें मेरे को लगता है इसके अंदर शिव जी भगवान की आत्मा चढ़ गई है, ये वरदान देगा हमें। ओके वरदान ही देना है ना इसको। मैं चाहता हूँ मेरे जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और भाई मजा आ जाए। तो दोस्तों ये वरदान तो मैं पूरा नहीं कर सकता, ये वरदान तो आप लोगों को ही पूरा करना होगा। तो जल्दी से सुमित ओपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे पहली बार आए तो लाइक करें बिना ना जाए। हम मिलेंगे इससे कोई नए गेम प्ले में। जब तक लिए पाते रहो। और गाइस यार डिस्कॉर्ड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और गाइस हम मिलेंगे इससे कोई नए गेम प्ले में, जब तक लिए जाओ सब्सक्राइब कर दो।